फाइनली हमारा YouTube का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, तो कितना पैसा आया आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी और आप सभी की मेहनत के कारण आज हमारा फर्स्ट पेमेंट आ गया YouTube का। फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि हमारा YouTube का फर्स्ट पेमेंट कितना है। तो YouTube का फर्स्ट पेमेंट आया नमस्कार दोस्तों, हमारे कॉर्नर वीडियो में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं आज इस टॉपिक में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों फाइनली हमारा YouTube का फर्स्ट पेमेंट आज आ चुका है। पेमेंट कुछ दिन पहले आ चुका है, लेकिन बिजी था तो वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज वीडियो बना रहा हूं। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी और आप सभी की मेहनत के कारण आज हमारा फर्स्ट पेमेंट आ गया YouTube का। तो कितना पेमेंट आया और कितने दिनों में आया सभी आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो में नया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों जो मेरा पहला वीडियो है, 2 से 2.5 साल पहले वीडियो अपलोड करना चालू किया था और मेरे को कंटिन्यू 2 से 2.5 साल हो गया वीडियो बनाते हुए, लेकिन बीच बीच में छूट जा रहा था। करीब 2 से 3 महीना अच्छे से वीडियो नहीं बना पाता था, फिर 2 महीना 3 महीना छूटता था, वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी 1 से 1.5 महीना हो गया कंटिन्यू अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मेरा एक दो वीडियो था जो वायरल हुआ था, उसी से मेरा डॉलर बन रहा था और उसी से मेरा इनकम जनरेट हो रहा था। लेकिन अभी 1 से 1.5 महीना हो गया कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, तो डॉलर भी अच्छा बना और $100 कंप्लीट हुआ। $100 के बाद ही YouTube का जो पेमेंट रहता है वह आता है। तो मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है $100 के बाद, और $100 का कितना पैसा होता है आप सभी को पता है, और बताने वाला हूँ कि कितना पैसा आया है मेरा फर्स्ट पेमेंट में। तो वीडियो में भी लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि YouTube में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन बहुत से लोग रहते हैं कि 1 साल 1.5 साल वीडियो बनाने के बाद बंद कर देते हैं। कई लोग का वीडियो 2 महीने में ही वायरल हो जाता है, कई लोग का बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, 2 से 2.5 साल मेरे को वीडियो बनाते हो गया, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती थी दोस्तों मेरे घर में, जिसके कारण मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना रहा था। मेरे जितने जानने वाले हैं उन सभी को पता होगा कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन ऐसा आया है कि उस समय वीडियो नहीं बना पा रहा था, और बहुत से लोग हैं कि वैसे सिचुएशन में वीडियो नहीं बनाते। तो मेरा भी वैसी सिचुएशन में टाइम गुजर गया था, तो वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन उस सब चीज़ को मैं साइड किया, फिर से अपने आप को खड़ा किया और वीडियो बनाने लगा। तो फिर मैं गणेश चतुर्थी दुर्गा मैया जी का वीडियो अच्छे से बनाया, और बाहर नहीं जा पा रहा था, बहुत सारा कारण रहता है कि मैं बाहर नहीं जा पाता हूँ। बिलासपुर सिटी का ही बहुत सारा वीडियो बनाते रहता हूँ अभी। तो आप सबका सहयोग रहेगा तो बिलासपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ पूरा भारत हम लोग घूमते रहेंगे। तो आप सहयोग बना रही है, अपना साथ बना रही है, और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। जानने वाले हैं उनको पता ही होगा, और आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम पंकज कौशिक है और मैं बिलासपुर सरकंडा लोधीपारा में रहता हूँ, और अभी हम लोग सरकंडा में ही है। यहाँ पर सहरी का जो कॉलेज है, यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, और दोस्तों सुभन भाई वीडियो शूट कर रहे हैं, और सुभन भाई बोले कि इसी खुशी में सबसे पहले हम लोग मंदिर चलते हैं। तो मंदिर चलेंगे, आगे हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर चलेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ खाने के लिए चलेंगे। तो वीडियो बनाते बनेंगे, तो चले चलते हैं हनुमान जी का मंदिर और दर्शन करते हैं, और आपको भी हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। आप अगर यहां आए होंगे तो आपको पता होगा ये मंदिर कोनी वाले रोड पे, ये पीछे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, साथ ही साथ यहां श्री हनुमान जी का भव्य मंदिर है। ये मंदिर आप अगर आए होंगे तो आपको पता होगा, चलिए दर्शन करते हैं। पंकज भाई दर्शन कर चुके हैं, मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। दोस्तों हनुमान जी का हम लोग दर्शन कर चुके हैं यहाँ पास, और उसके बाद हम लोग चलेंगे घर, घर से एटीएम कार्ड लेंगे, एटीएम कार्ड लेने के बाद हम लोग चलेंगे एटीएम में और पैसा निकालेंगे, वहाँ से कुछ खाने के लिए चलेंगे, और दोस्तों कुछ काम है मेरे को पैसा का तो उसको निकालना भी है। तो अभी घर चलते हैं, घर से एटीएम कार्ड लेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं अभी। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एटीएम में, और अभी हम लोग निकालने वाले हैं हम सबकी मेहनत YouTube का फर्स्ट पेमेंट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों पैसा निकलने वाला है, तो देख सकते हैं अभी। तो फाइनली हमारा YouTube का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, तो कितना पैसा आया आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। और मेरे को कुछ पैसा का काम था, तो जितना पैसा काम था उतना ही पैसा मैं निकाला हूँ।
तो दोस्तों हम लोग पेटीएम के बाहर आ चुके हैं और हमारे हाथ में देख सकते हैं हमारा पहला यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है और इसमें का दोस्तों कुछ पैसा मैं घर में दूंगा और कुछ पैसों का मेरे को काम है तो उसके मैं अपने पास रखूंगा। जैसे कि एक ट्राइपॉड लूंगा, पुराना जो ट्राइपॉड है पूरी तरह से खराब हो चुका है तो वीडियोज में अच्छे से नहीं बना पा रहा था तो एक ट्राइपॉड लूंगा और बाकी पैसे का घर में दूंगा। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि हमारा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट कितना है। तो यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट डायरेक्टली बता सकता क्योंकि जो पेमेंट को डायरेक्ट नहीं बताया जाता क्योंकि यार ये यूट्यूब के गाइडलाइन के थोड़ा खिलाफ है। तो मैं उसको किसी और दूसरे बताता हूँ, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट पेमेंट है उससे आप एक रियलमी नाजो N53 का मोबाइल ले सकते 4000 वाला, तो उसका पेमेंट आया है हमारे पास पहला, तो यूट्यूब का पेमेंट है वो। तो हम लोग चलेंगे गुपचुप खाने के लिए क्योंकि गुपचुप सुबह भाई खाऊंगा बोल रहे हैं और मैं भी खाऊंगा बोल रहे हैं, तो बाकी जब हम लोग खाते नहीं ज़्यादा तो गुपचुप भी ज़्यादा खाते, तो हम लोग चलेंगे गुपचुप खाने तो वीडियो बनाते पहले। तो दोस्तों हम लोग गुपचुप खा चुके हैं और अभी हम लोग मोहल्ले के आगे इधर टहलने के लिए आए हुए हैं। और दोस्तों अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सब्र बना रखिए, अगर एक साल मेहनत करते हैं तो अगर सफलता नहीं मिलती तो आगे मेहनत करते रहिए और YouTube को बंद मत कीजिए, आगे आपको सफलता मिलेगी और आप भी सक्सेस होंगे और आपका भी YouTube में पेमेंट आना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए एक दोहा कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ने सिल्पर फरत निशान। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को लगातार अभ्यास करते रहता है तो एक दिन कुशल व्यक्ति भी कुशल बन जाता है। तो आप भी किसी भी कार्य करते हैं तो लगातार करते रहिए जब तक उसमें सफलता नहीं मिल जाता है। तो इसी के तहत हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को जो आईडी है पंकु ब्लॉग करते हैं, तो अगर आपको किसी भी यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी लेना है तो मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करना, तो मेरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।